इस जगह को बोला जाता है जंगे बदर बोला जाता है। और ये इस्लाम की पहली जो थी जंग थी, 313 जो थे मुस्लिम थे। ये आप देख सकते हो, ये वही जगह है जहां पर जंगे बदर हुआ था। कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों आज का जो ब्लॉग है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं अभी इस समय रूम में हूँ और दोस्तों बताना चाहता हूँ कि आज जो हम जा रहे हैं ना, वो उस जगह पर जा रहे हैं जहां पर इस्लाम के लिए पहली बार जंग हुई थी, यानी इस्लाम में पहली बार जंग हुई थी, जिस जगह का नाम है जंगे बदर। आपने बचपन में वाक्य सुन रखा होगा, बचपन से लेकर अब तक सुन रखा होगा कि 313 सहाबा भारी पड़ गए थे। जी हाँ दोस्तों, यानी ये जंग जो हुई थी 313 सहाबा और कुफारों के बीच हुई थी। जो कुफारे थे वो 1000 लोग थे और माशाल्लाह उसमें जो जीत हुई थी ना, वो इस्लाम की जीत हुई थी। क्योंकि मानो दोस्तों, जब मैं सोच रहा हूँ ना, सोचते सोचते रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि आज हम उस जगह पर चलने वाले हैं। तो ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो भाई ये हमारा रूम है और ये जो रूम ले रखा ना हमने, इसके लोकेशन देखिए माशाल्लाह। ये जो है देख रहे हैं हम, ये जन्नतुल वगी है जहाँ पर 10,000 सहाबा आराम फरमा रहे हैं। और यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी फैमिली से हजरत बीबी फातिमा, हजरत माँ आयशा और उनके लड़के इब्राहिम, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लड़के इब्राहिम, यहाँ पर सब आराम फरमा रहे हैं। सोचो कितनी बेहतरीन जगह है ये। साथ ही साथ ये देख सकते हो मस्जिद नबी, जहाँ पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा पाक है। और कितनी शानदार ये मस्जिद है, ये देखिए। सोचिए कितनी अच्छी लोकेशन पर मेरा रूम है। तो दोस्तों अभी हम नीचे चल रहे हैं। तो भाई मैं नीचे आ चुका हूँ और यहीं पर देखो, ये जो बाउंड्री है ना, ये जन्नतुल वगी की बाउंड्री है। और उधर आप देखोगे ना, तो जो गेट है वो 2 नंबर लिख रहा है, वहाँ 365 गेट नंबर है मस्जिद नबी के लिए, ये देख सकते हो। और यही मेरा होटल है जहाँ पर मैं स्टे किया हुआ हूँ, ये आप देख सकते हो। और वो कार है जहाँ से हम चलने वाले हैं जंगे बदर। चले भजन। अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली हम कार में बैठ चुके हैं। और एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो मदीने की सीरीज है ना, इसमें हमारे इन भाई का बहुत बड़ा साथ रहा है, राशिद भाई का। वालेकुम सलाम। और आप पूरी सीरीज में कहीं ना कहीं इनको जरूर देख पाएंगे। वजह यह क्या है कि पूरे सीरीज में पूरा साथ दिया है। एक्चुअली क्या होता है ना कि ज़ियारत के लिए जो ट्रैवल कंपनी से आते हैं, वो सिर्फ एक ही दिन बस से घुमाते हैं, जो एज ए ब्लॉगर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो भाई ने हर चीज़ से, कार भाई की है, भाई यहाँ पर जो है माशाल्लाह अच्छी पोजीशन पर है। तो डेली जो 5-6 दिन जितने भी हैं, तो हम इसी कार से ही सफ़र कर रहे हैं और ये मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों फाइनली हम उस लोकेशन पर आ चुके हैं। ये आप देख सकते हो, ये वही जगह है जहां पर जंगे बदर हुआ था। जी हाँ दोस्तों, और यकीन मानो दोस्तों, इस समय ना शरीर कांप सा रहा है। और ये आप वो देख सकते हो जहां पर इस्लाम की पहली जंग हुई थी, यानी जंगे बदर हुआ था। बताना चाहता हूँ कि यहीं पर जो है गजबा हुआ था। गजबा एक्चुअल में जो है जंग को ही बोला जाता है। तो यहाँ पर पहला जो है जंग हुई थी। और मैं वो मैदान, ये जो देख रहा हूँ ना, ये स्पेशली वो मैदान है जहाँ पर जो है देख सकते हो जंग हुआ था। साथ ही साथ इधर जो है ये कब्रिस्तान है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अगर आप देखोगे तो इस समय की जो हालत है, यहाँ पर जो है इस समय काम चल रहा है, काफ़ी थोड़ा अपडेट हो चुका है। बाकी ये जो जगह देख रहे हैं ना पूरी, यहाँ पर जो है वो बैटल हुई थी। और मैं दिखाऊँगा आगे, यहाँ पर वो उन 14 सहाबाओं के नाम लिखे हुए हैं जो शहीद हुए थे इस्लाम के खातिर। और उसके बाद आखिरकार जो जीत हुई थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की जीत हुई थी। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये यही वो पॉइंट है जहाँ पर जो है जंगे बदर। और यही वो पूरा मैदान है, यहाँ से जो है आप ये नाम देख सकते हो, जो 14 नाम है ये आप देख सकते हो। अभी मैं नाम बताऊँगा आपको, केवल देख लीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर यही वो जो कब्रिस्तान है जहाँ पर जो है उन 14 सहाबाओं को जो है आराम फरमा रहे हैं। और ये कब्रिस्तान की आप बाउंड्री करा दी है, पहले यहाँ पर बाउंड्री नहीं हुआ करती थी,
यानी अंदर जाना इसमें अलाउ नहीं है। थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, फिर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ज़रूर दूंगा। यहाँ से ये देखिए पूरा का पूरा ये जो है ये इस तरीके से, अब इसको थोड़ा सा इन लोगों ने जो काफ़ी मॉडिफाई कर दिया है और यहाँ पर जो है काफ़ी हुआ है। लेकिन उस दौर में चारों तरफ पहाड़ देखिए, वो ये क्या मंजर होगा उस समय। ये बीच में इन्होंने जो है इसको स्मृति के रूप में यानी चिन्हित कर दिया है। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये वो कब्रिस्तान है जहाँ पर 14 सहाबा जो है आराम फरमा रहे हैं। यहाँ पर हालांकि और भी बहुत सारी यहाँ पर जो है आप वो देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो कब्रिस्तान आप ये देख सकते हो ये। अब तो इन्होंने इसको पूरा का पूरा जो है ये लॉक कर दिया है, पूरा चारों तरफ से बाउंड्री, काफ़ी बड़ा है ये आप देख सकते हो, ये देखिए पूरी बाउंड्री कर दी है और चारों तरफ आप पहाड़ी पहाड़ी जो है आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए इसके बाउंड्री जो है काफ़ी, वहाँ से बाउंड्री स्टार्ट होती है और यहाँ से आते हुए इधर काफ़ी बाउंड्री, और उधर से आप देखोगे तो पूरी की पूरी ये जो है एकदम सर्कल एरिया में जो है बाउंड्री है। मैं दिखा देता हूँ जूम करके, ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी जो है कब्रें हैं, बट हमारे सहाबा कहाँ सो रहे हैं ये चिन्हित नहीं है। और यहाँ ज़्यादातर चाहे आप कोई से भी आप जाओ, चाहे जन्नतुलमाला में जाओगे आप या जन्नतुलबगी में जाओगे, तो वहाँ चिन्हित जगह जो है ना बहुत कम कर रखी हैं, बट इतना श्योर है कि यहाँ पर 14 सहाबा हैं वो आराम फरमा रहे हैं। तो दोस्तों बताना चाहता हूँ मैं यहाँ की हिस्ट्री, इस जगह को बोला जाता है जंगे बदर बोला जाता है, और ये इस्लाम की पहली जो थी जंग थी जिसे गजवा भी बोला जाता है, यानी पहला युद्ध कह सकते हो। और दोस्तों इस जंग में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 313 जो थे मुस्लिम थे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसकी लीडरशिप ले रहे थे, साथ में जो 313 जो हाँ यहाँ पर सहाबा थे, साथ में जिन मुस्किन से लड़ाई थी यानी कुफारों से लड़ाई थी, कुरैश का कुफारा था, जहाँ पर 1000 लोग थे, यानी एक तरफ 1000 लोग और एक तरफ 313 लोग। और दोस्तों बताना चाहता हूँ कि जो 1000 लोग थे उनके पास बहुत सारी सुविधाएं थी, जब उनके यहाँ पर खेमे लगे तो उनके पास बताते हैं कि तकसीम के लिए 6-6 ऊँट, 7-7 ऊँट, इस तरह वो बढ़िया चल रहा था और सब कुछ बढ़िया था उनका, सोने की सुविधा, रहने की सुविधा, सब कुछ बढ़िया थी। भाई अगर दूसरी तरफ 313 सहाबाओं की बात की जाए तो किसी पर 2 खजूर थे, किसी पर 3 खजूर थे, किसी पर 4 खजूर थे। तो जब युद्ध की बात आई, जब जंग की बात आई, तो यहाँ पर सहाबा जो है रात को पहुँचे। तो जैसे ही आपको पता है कि पहले के उसूल होते थे कि रात को युद्ध नहीं होगा, तो पता लगा कि सुबह को जंग होगा। मैं थोड़ा हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि सारी ऑडियंस आराम से समझ पाए। तो अब रात का समय था और आपको ये पता हो कि सुबह को आपको जो है जंग लड़नी है, और आपकी संख्या 313 है और उनके सामने जिनके संख्या 1000 है, और उन पे ना बहुत गैदरिंग थी, यानी ये मान के चलिए उन पे ऊँट थे और उन पे बहुत सब कुछ था, इधर इन पे इतना कुछ था नहीं। और दोस्तों बताना चाहता हूँ कि उस रात जो सहाबा थे वो सिर्फ वेट कर रहे थे सुबह का, कि किसी तरह सुबह हो और हम जो है पहले गजबे के लिए, पहले जंग के लिए अपने आप को शहादत हो जाएं, यानी शहादत होना उनके लिए एक फ़ख्र की बात थी, क्योंकि बात इस्लाम की थी। और दोस्तों बताना चाहता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जो इसका मतलब नेतृत्व कर रहे थे, लीडरशिप कर रहे थे, यहां एक मस्जिद है पास, वहां पर उनका खेमा लगा हुआ था और वहां पर उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाह मदद करो, और अल्लाह ने बेशक मदद भी की। बताते हैं कि 1000 फरिश्ते जो है उन लोगों ने मदद की, ऐसा बताया जाता है। दोस्तों बताना चाहता हूँ कि जब वो लड़ाई हुई, इस्लाम की पहली लड़ाई, तो यकीन मानिए जो 313 सहाबा थे डट के मुकाबला करा, और वो 1000 जो थे ना कुफारे थे, वो ऐसा लग रहा था जैसे भेड़ और बकरी की तरह भागते हुए नज़र आ रहे थे। और यकीन मानिए उसमें से उनको हरा दिया गया, हराने के बाद उसमें से कुछ को कैदी कर लिया गया, कुछ को जो है मारा गया। जिनको कैदी कर लिया गया उसमें पूछा गया, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इनका क्या किया जाए, तो सहाबा ने कहा कि इन्हें ये काम कर लेते हैं, बंदी बना लेते हैं या गुलाम बना लेते हैं, लेकिन हमारे नबी ने ऐसा नहीं किया। यही बात आती है इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की, कि उसके बाद भी मतलब हमारे नबी का नुकसान करना चाहते थे, सहाबा को नुकसान करना चाहते थे, इस्लाम को बार बार वो जो है बदनाम करना चाहते थे, कि उसके बाद भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो है माफ़ कर दिया, छोड़ दिया। और दोस्तों ये जो पहली जंग थी जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद थी, और 313 सहाबियों ने ऐसा जीती
कि जैसा बहुत इजी था उनके लिए जीतना, और उसी जंग में 14 सहाबा जो थे शहीद हो गए, और वहीं उनकी जो है यहाँ पर वो आराम फरमा रहे हैं। ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और यहाँ पर ये स्मृति चिन्ह बना दिया है जहाँ पर उनके नाम मेंशन है। अब दोस्तों बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक्चुअल में जो है ना खजूर का बहुत बड़ा बाग है जो काफ़ी हरियाली है, तो मैं ये दिखाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको वो पॉइंट दिखाऊंगा जहाँ पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने अपना खैमा लगाया था। क्योंकि दोस्तों ये कहानी ना बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सुननी चाहिए। और जब मैंने इस कहानी को जाना, इसको पढ़ा, तो यकीन मानो मैं व्याकुल हो गया मैं इस जगह को आने के लिए। दोस्तों अगर जंगे बदर की बात की जाए तो केवल 313 सहाबा, साथ ही साथ उनके पास केवल 70 ऊंट थे, 3 घोड़े थे, 8 तलवारें थीं और 6 जिरह थी। जबकि लश्कर कुफार की अगर बात की जाए तो उनके पास 1000 लोग तो थे ही, साथ ही साथ 700 ऊंट और 100 घोड़े, 950 तलवारें और 950 जिरह। आप सोच के देखिए कि एक तरफ केवल 70 ऊंट और एक तरफ 700 ऊंट, एक तरफ 3 घोड़े, एक तरफ 100 घोड़े, और एक तरफ 8 तलवारें और एक तरफ जो है 950 तलवारें, और एक तरफ 6 जिरह और एक तरफ 950 जिरह। एक नजर जंगे बदर पर डालिए और ये सोच के देखिए कि आखिर कितनी मजबूती के साथ इस जंग को लड़ा गया। यानी पहली बात, कुफारे के लश्कर में खाने पीने का सामान बड़ी कसरत से था, रोजाना 11 ऊंट जीवा करते खाते थे, जबकि इस्लामी लश्कर में केवल ज्यादा रहा की यह हालत थी कि किसी के पास 7 खजूर तो किसी के पास 2 खजूर थी। और दोस्तों नंबर 2, कुफार के लश्कर पर ऐश और इशरत का सामान भी काफी हद तादाद में था, यहां तक कि किसी के पानी के किनारे पड़ाव करते खेमे लगते थे तो उनके साथ गाने वाली तफायदे भी थी, जबकि मुस्लिमों के पास एक खेमा तक नहीं था। सहाबा करीम ने खजूर के पत्तों और टहनियों से एक झोपड़ी तैयार करके हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसमें ठहराया, और आज उस जगह पर मस्जिद बनी हुई है जो मैं दिखाऊंगा। ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर जो आप देखोगे ये पूरा जो है खजूर का बाग है, और कितना हरियाली वाले ये बाग आप देख सकते हो। नतीजा ये हुआ कि कुफार के लश्कर से 70 आदमी कत्ल हुए जिनमें अबू जहल भी था, और 70 आदमी कैद हुए। और इस्लामी लश्कर की बात की जाए तो उसमें केवल 14 सहाबी जो है शहीद हुए, और उसके बाद जीत जो है माशाल्लाह इस्लाम की हुई, यानी फतेह इस्लाम की हुई। तो दोस्तों अभी हम गाड़ी से जा रहे हैं उसी मस्जिद को देखने के लिए जहां पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कयाम हुआ था, यानी वहां पर उन्होंने आराम फरमाया था, वहां पर उनका खेमा लगा था। फाइनली दोस्तों हम उस मस्जिद पर आ चुके हैं, यही वो मस्जिद है जहाँ पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खेमा लगाया था, और यहाँ से वो लीडरशिप आप कह सकते हो। लेकिन ये मस्जिद दोस्तों यहाँ पर आप देखो लोग हैं, और बहुत सारे लोग आए हुए हैं हमारी तरह जो नमाज़ पढ़ रहे हैं, और ये वो पॉइंट है, वो आप देख लीजिए। देखो बहुत सारी टूरिस्ट वाली बस आई हुई है यहाँ पर, ये एग्जैक्टली काफ़ी घर बने हुए हैं ये देखिए, और ये मस्जिद है माशाल्लाह यहाँ पर। बट काम चल रहा है अभी, अगर ध्यान से देखोगे तो आप ये देखिए यहाँ पूरी जो है इधर भी बाउंड्री हो रखी है और इधर भी कर रखा है, और यहाँ पर जो लोग आते हैं देखो वो नमाज़ अदा करते हैं, और ये देखिए पूरा का पूरा जो है माशाल्लाह ये आप देख सकते हो, और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं नमाज़ पढ़ रहे हैं ये देखिए, और अभी काम चल रहा है। देखो वजू भी जो है वैसे करना पड़ रहा है, और उधर ये देखिए उधर पर जो महिलाएँ हैं वो नमाज़ पढ़ रही हैं। तो अगर उधर देखोगे तो सब कुछ उजड़ा हुआ है ये, और ये काफ़ी बड़ी जगह में जो है इस मस्जिद को तामीर किया जा रहा है, और अभी काम चल रहा है, पूरी तरीके से काम हुआ नहीं है यहाँ ये देखिए। और यहाँ मैं भी अभी नमाज़ पढ़ूंगा, और यहाँ पूरी बाउंड्री सामने जो है पहाड़, और ये पूरा का पूरा ये आने वाले समय में ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये देखिए सारा उधर मैं वजू करता हूँ, उसके बाद जो है नमाज़ पढ़ते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि काफ़ी काम चल रहा है, और यहाँ भी देखिए आप जो मस्जिद है माशाल्लाह तामीर हो रही है, और अभी भी जो है काफ़ी काम चल रहा है। तो मैंने अभी बस जस्ट नमाज़ पढ़ी, वजू मैंने यहाँ किया और यहाँ पर मैंने नमाज़ पढ़ी। तो अभी ना हम मस्जिद से आगे आए हैं, थोड़ी दूर आगे आने पर हमें ना कुछ घर दिखाई दिए जो शायद उस ज़माने के होंगे, हमें यह तो पता नहीं है, लेकिन काफ़ी ओल्ड हैं, मैं वो दिखाना चाहता हूँ आपको। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर ना बहुत सारे घर हैं, घर के पूरा गांव लग रहा है ये देखिए पूरा का पूरा मुझे गांव लग रहा है। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट है ये, और जो है काफ़ी पीछे तक ये आप देख सकते हो, और ये मुझे ना कहीं उस समय की याद दिला रहे हैं
और ये काफ़ी, क्योंकि इसी के पीछे मस्जिद है। ये देखिए ये मस्जिद है, शायद ये उसी दौर के होंगे बट मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट ये है काफ़ी पुरानी। ये देखिए, ये देखिए। तो मुझे ना एक वाक्य याद आ गया, मैं पढ़ रहा था जंग बदर के मामले में, कि जब माशाल्लाह जंग जीत ली और हमारे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ के उठे, तो वो उस नमाज के दौरान मुस्कुरा रहे थे, तो सहाबी देख रहे थे, तो सहाबी आए, उनके अंदर क्यूरियोसिटी हुई और पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप मुस्कुरा क्यों रहे थे, तो बता रहे थे कि अल्लाह ने जो फरिश्ते भेजे थे जंग के लिए, हेल्प के लिए सहाबाओं के लिए, तो वो फरिश्ते वापस चले गए। वापस चलने के बाद जब वो ऊपर पहुँचे तो जहाँ और फरिश्ते होंगे उन्होंने वापस भेज दिया, क्या तुम क्यों आए हो, तुम्हें जिस मकसद से भेजा था क्या वो मकसद पूरा हो गया, क्या हाँ हो गया, क्या आपने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से परमिशन ली आने की, उन्हें बताया आपने कि आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। तो हमारे नबी ने फरमाया कि वो वापस आए और वापस आने के बाद जब मैं नमाज़ पढ़ रहा था तो मुझसे परमिशन ले रहे थे कि क्या अब हम जा सकते हैं, तो मैं नमाज में बोल नहीं सकता था इसलिए मैंने मुस्कुराकर कह दिया यानी आप जाइए। तो ये जब वाक्य जब मैंने सुना ना तो मैं काफ़ी इमोशनल हो गया। तो दोस्तों ये वाक्य था जंग बदर का, जब पहली लड़ाई जो थी इस्लाम के लिए हुई थी और माशाल्लाह वो लड़ाई जो है इस्लाम की जीत हुई थी, और वहाँ पर 313 सहाबा, उन्होंने एक तरह से पूरी दुनिया में एक इतिहास रच दिया था उस दौर में। तो आई होप दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ, और ये जो जगह है बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में 118 किलोमीटर नहीं है, मस्जिद नबी से 155 किलोमीटर है। पहले 118 किलोमीटर दिखा रहा था लेकिन जब वहाँ आगे बढ़े थे इसे 55 किलोमीटर दिखा रहा है। तो अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।